नमस्कार सर। सर, कमिंग बैक टू आवर फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज, जो ज्यादातर हम बिजनेसेस देखते हैं, जहाँ पर बिजनेस की फैक्ट्रीज होती हैं, वहीं पर उनका फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज भी होती है, कि जहाँ पर प्रमोशन काफी ज्यादा होता है बट काम इतना नहीं होता, ऐसा होता है। बट हमारा जो फिलैंथ्रोपिक काम है वो यूपी में हमारे बिजनेसेस से बिल्कुल अलग महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है, बट हम उनके बारे में इतनी ज्यादा बातें नहीं करते। तो इस माध्यम से अगर आप कुछ फाउंडेशन की एक्टिविटीज के बारे में बताना एक्चुअली चाहें। तो शुगर फैक्ट्रीज, डिस्टिलरीज और पावर प्लांट सब 100% हमारा बिजनेस यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में है। फैमिली में हम लोग 14-15 साल पहले सोचा कि भी अगर हमको कुछ सोशल एक्टिविटीज करनी है तो कहाँ करना है। यूपी में तो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ तो योगदान हम कर ही रहे हैं, तो कोई दूसरी जगह होनी चाहिए। तो कुशाग्र का सजेशन था कि क्यों नहीं हम जहाँ दादाजी की पैदाइश हुई थी सीकर में, काशी कबास गांव में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में, वहां क्यों नहीं किया जाए, और जहां उन्होंने पूरा जीवन दिया वर्धा महाराष्ट्र में, वहां क्यों नहीं किया जाए। तो इस हैसियत से 14 साल पहले हमने सीकर में अपने फाउंडेशन के तहत और वर्धा में कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के तहत हमने काम शुरू किया। और मुझे बड़ा गर्व है कि इसमें तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ, कुशाग्र भी, और मेरा छोटा लड़का तो पूरा इन्वॉल्व है, अपूर्व। यहाँ हमने सबसे बड़ा काम किया तो पानी का काम किया कि पिछले 14 सालों में हमने 700 किलोमीटर को रिवर रिवाइवल किया, उसमें से करीब 225 किलोमीटर जो छोटी छोटी नदियाँ और रिवर्स थी वो मरी हुई थी, उनको हमने वाइडन किया और डीपन किया, और जो बड़ी दो तीन बड़ी नदियां हैं वर्धा और धाम, उनसे जोड़ा। तो उससे ये 12-13 सालों में 3.5 लाख एकड़ हमने जमीन को सींची, और उसके कारण आज फार्मर्स 2 क्रॉप ले रहे हैं, 3 क्रॉप ले रहे हैं। पहले विदर्भ का एरिया था, आप लोग सब जानते हैं कि सुसाइड प्रोन एरिया था, और आज वो एरिया काफी डेवलप की बहुत विकास प्रगति हुआ। हुई। और इतना ही नहीं, और सबसे बड़ी खुशी है कि अभी अभी फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और हमने एक और साइन किया है कि 1700 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर हम 5 साल में यही डेवलपमेंट रिवर्स और रिवुलेट्स को जोड़ेंगे। और उससे तो जब 700 किलोमीटर में 3.5 लाख एकड़ हुआ, तो ये तो पूरा वर्धा जिला, वर्धा जिले में करीब 1000 गांव हैं, हम 1000 गांव में काम कर रहे हैं, तो पूरा इट विल बी देर बी नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर सब्जेक्ट टू द मानसून, बरसात तो होनी चाहिए। सो दैट वी हैव साइन विद द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एंड और उसके अलावा पानी में हम बोर वेल्स, ट्यूब वेल्स, चेक डैम्स, एनी कट, गेबियन स्ट्रक्चर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एनीथिंग टू डू विथ वाटर, ऑल आर एक्टिविटीज आर बींग डन इन वर्धा एंड इन सीकर। सीकर में रिवर्स नहीं है, उसके अलावा सब एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा वी आर फोकसिंग ऑन नेचुरल फार्मिंग, बिकॉज आज ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, इट इज हार्मफुल फॉर द सॉइल, विच एवरीबडी नोज। और इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2-3 साल से जोर दिया, पिछले बजट में ही नेचुरल फार्मिंग में बड़ा जोर जोर दिया उन्होंने, और वो तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे लोग नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, और हम भी नेचुरल फार्मिंग को बड़े जोर से, और इसमें तो मैं क्रेडिट दूंगा मेरे छोटे लड़के अपूर को, उसने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। और सुभाष पालेकर जी, जो कि मतलब कि इंस्टीट्यूशन है, ही इज द फाउंडर ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया, तो उनसे भी हम जुड़े हैं, और उनकी मदद से हम वर्धा और सीकर में हम करीब करीब 700 विलेजेस में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो बरसात का पानी है उसको कैसे हम रोकें, तो तरह तरह की उसमें स्कीम्स हैं, ग्रुप के जरिए, सिंगल, अलग अलग तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। और इतना ही नहीं,
और दूसरा हर एक घर स्वावलंबी होना चाहिए। मैंने टुडे वी आर प्रोपोगेटिंग देर आर 35 आइटम्स वी हैव सिलेक्टेड दैट इफ एवरी होम अपने छोटे आंगन में लगाए तो उनको फल फूल अनाज कोई खरीदने की दरकार नहीं है और उनको शुद्ध फल फूल मिले। प्लस वेरियस अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, गोबर गैस प्लांट, सोलर पंप्स एंड सोलर लाइट्स विच इज अगेन यू नो एनर्जी सेविंग। सो ऑल दीज एक्टिविटीज वी आर डूइंग इन वर्धा एंड सीकर एंड इन ललितपुर इन द 2000 मेगावाट प्लांट। आई अंडरस्टैंड फ्रॉम माई टीम दैट इंटायर 1300 एकर्स वी आर डूइंग ऑल दीज वाटर स्कीम्स, प्रैक्टिकली ऑल दीज स्कीम्स एंड सो दैट इज अ गुड थिंग। इन एनर्जी ऑल्सो द फाइव प्लांट्स वी हैव डन, वी हैव संक बोरवेल्स एंड ऑल दैट एंड ट्राई टू कैप्चर दिस रेन वाटर। और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूंगी, पिछले सीजन में भी हमने बात की थी, हमने विजिट्स किए थे वर्धा में, जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनके साथ भी बात किए थे। देर आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वुमेन, सो सभी ने बताया कि किस तरह एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच के जरिए बजाज फाउंडेशन उनकी तकलीफों में जुड़कर आगे एक आत्मनिर्भर गाँव बनाने की कोशिश में है। एक्चुअली तो प्रधानमंत्री जी का जो पिछले बजट में टारगेट है कि ऑल इंडिया 35,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड के थ्रू शुरू किया जाए, तो हमने छोटे रूप में 20 लास्ट 5-7 साल में 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो तरह तरह के चीज बनाते हैं, और सीकर में करीब 3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए हैं। और इसके अलावा लघु उद्योग, मतलब किसी को आटा चक्की चाहिए, किसी को ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो इस तरह के लघु उद्योग हम सैकड़ों में हम हर साल मदद करते हैं, हमारा भी थोड़ा योगदान रहता है। तो वो क्या घर में अपना आटा चक्की लगा सकते हैं, अपना कॉपरेटिव स्टोर है वो घर के बाहर अपना कॉपरेटिव स्टोर लगा सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो जैसे कि गांधी जी का सपना था कि घर घर में चरखा रहे, तो हम लोग ने थोड़ा चरखा से थोड़ा आगे निकल गए कि जरूरी नहीं है कि चरखा भी हो तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके अलावा और भी जो धंधे हैं आज के जमाने के हिसाब से तो उनमें भी हम मदद कर रहे हैं। किसानों के फायदे की बात हो या फिर हमारे एम्प्लॉयज की, हमने देखा है कि हमारा ग्रुप ह्यूमन लाइफ को काफी वैल्यू करता है। बजाज ग्रुप में जो भी आज सेवाएं दे रहे हैं, दे आर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, वी डोंट ट्रीट देम एज एम्प्लॉयज, दे आर ऑल एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। एंड एक छोटा सा उदाहरण है, आज शुगर मिल में गोला गोकर्णनाथ में देवर 350 पीपल हु रिटायर्ड आफ्टर 35 ईयर्स सर्विस एंड फ्यू 3 or 4 हु रिटायर्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड देर आर आई थिंक 1 or 2 फैमिलीज हुज थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन आर इवन वर्किंग टूडे, इवन वर्किंग टूडे। एंड इन आर स्मॉल वे वी आर ट्राइंग, वी गिव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज इन ऑल आवर प्लांट्स, वेदर शुगर मिल, डिस्टिलरी, पावर प्लांट्स और व्हाटएवर वी आर गिविंग, व्हाटएवर वी कैन, स्पोर्ट्स हैं, मेडिकल, ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी आर गिविंग। एंड मेन थिंग इज वी आर ट्रीटिंग देम एज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड वी गो बाय दैट फिलोसफी एंड वी वुड फ्रेंकली लाइक देम टू रिटायर, हूएवर जॉइंस अस टू रिटायर फ्रॉम द कंपनी। तो सर, ये जो आज के बजवर्ड्स है अबाउट एम्प्लॉय वेलफेयर एंड वर्क कल्चर, आई थिंक ये हम काफी सालों से वी बीन कैरिंग द लेगेसी ऑफ इट, एंड इट सीन आल्सो लाइक जो हमारे पिछले इंटरव्यूज भी रहे, इवन द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट, द टेम्पल्स, द काइंड ऑफ ग्रीनरी दैट इज देयर इन आवर फैक्ट्रीज, दैट इज आल्सो कमेंडेबल, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। ग्रीनरी आल्सो इज वेरी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन ऑल आवर शुगर मिल, डिस्टिलरीज एंड पावर प्लांट, वी ले big emphasis on greenery and growing more trees and that is given so it is good for the environment and to usme bahut emphasis rehta hai hamara। bajaj family ne kareeb 115 saal ho gaye honge, 10 15 saal ho gaye, lakshmi narayan ji ka temple mandir apne
दादाजी ने स्थापित किया वर्धा में, और जब खुलने जा रहा था तो गांधी जी को मालूम पड़ा कि भी ऐसा मंदिर खुलने जा रहा है, तो उन्होंने दादाजी को कहा कि भाई चाहूँगा कि वो सबके लिए खुले, इवन फॉर दलित्स। एट दैट टाइम इट वॉज नॉट द नॉर्म, दलित्स के लिए मंदिर नहीं खुलते थे फॉर वट एवर रीजन। दादाजी ने तय किया कि ठीक है, जब गांधी जी की ब्लेसिंग है तो मैं जो टेम्पल है अपना लक्ष्मी नारायण जी का, वो दलित के लिए भी खोलूँगा। उन्होंने खोला। एक्चुअली जो मेरे को मालूम है कि मारवाड़ी समाज ने उनका कुछ समय तक बहिष्कार भी कर दिया दादाजी का, एंड इसको चलते हुए, परंतु बाद में फिर समय जैसा निकला तो ठीक हो गया। दैट वॉज द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया विच वॉज ओपन टू दलित। तो इनफैक्ट इस पर मुझे एक बात और याद आई, जो पिछले सीजन में हमने इंटरव्यूज किए थे, हमें काफ़ी जो जैसे कि आपने कहा 3-4 जनरेशन से कोई एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आप लोग खुद वहाँ लोगों के फेस्टिवल्स में शामिल होते थे, शादियों में आप खुद वहाँ पर मौजूद रहते थे, विच इज़ वेरी डियर टू देम। मतलब वो इतने अच्छे फीलिंग उसको आती है, इस तरह से बताते हैं खुशी से। हाँ, मेरे को याद है जब मैं 4 साल जब अमेरिका से MBA करके लौटा था न्यूयॉर्क से, तो 4 साल में शुगर मिल में ही मुकाम किया था, तो होली के समय वहाँ UP में होली बड़ी जोरदार होती है, मतलब कि रंग रंग को फेंकना करना। तो मैं मुझे याद है एकाध साल में होली में शुगर मिल में था, तो वो शाम को समय तो सब गले मिलते हैं, तो थोड़ा कठिन गया मेरे लिए, मतलब वो 1000 लोगों से गले मिलना, मतलब कि एक के बाद एक लाइन में आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पर सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस, दैट वाज द कस्टम। एंड सीजन शुरू होने के पहले जो 500-700 वर्कर्स थे उनको पतल में भोजन हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो खिलाते थे। मैं भी एक बार उनका कबड्डी का कुछ स्पोर्ट्स हुआ था तो उसमें भी शामिल मैंने खुद ने किया था। तो इस तरह से वी हैव नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्कर्स एंड यू नो ऑफिसर्स, और दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये जो आपने चीजें बताई, मुझे याद है पिछले बार भी जब हमने इंटरव्यूज किए, हम कावड़ यात्रियों को भी काफी अधिकारी है वहाँ जो खुद लोगों को अपने हाथों से खिलाते हैं, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज वहाँ पर होती रहती हैं। तो आगे का जो हमारा सफर है इसकी बात करें, तो क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे हमारे अभी एम्प्लॉयज को, न्यू जनरेशन को? कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेसिकली वी हैव टू जनरेट एंड गिव बैक टू द नेशन, चाहे हम शक्कर बनाएं, चाहे एथेनॉल बनाएं, कि पावर बनाएं, चाहे और कुछ बनाएं, बट वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर द नेशन। और जो फैमिली जो वेल्थ जो जनरेट होता है उसका बड़ा जरूरी है कि वी हैव टू गिव अ रीजनेबल चंक ऑफ इट बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट वी हैव लर्न फ्रॉम ग्रैंडफादर, फ्रॉम फादर, फ्रॉम अंकल, and we are trying to do our little bit, not only in our factories but hamare Bajaj Foundation Wardha mein aur Seekar ke foundation ke madhyam se hum kar rahe hain, aur ye aur hame bahut khushi hai, an entire family mein, main nahi, Kushagra aur Apur dono mere ladke usme lage hain, jaise Geeta mein likha hai, karm kariye, kam karte jaiye, phal ki apeksha mat kariye. That is the final motto, which should be हम सबका मोटो रहना चाहिए। नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे ग्रुप के कर्मचारी हैं जो योगदान दे रहे हैं, दे शुड बी हैप्पीली वर्किंग इन द ग्रुप। ये नहीं कि भाई हमको 9 से 5 आना है तो आना है तो आना है, पर उसमें मजा नहीं है। दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर हैप्पी नहीं है तो हमें सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वो हैप्पी नहीं है। तो बेसिकली एवरीबडी शुड बी हैप्पी, देन ओनली आई वुड थिंक वी आर सक्सेसफुल। बिजनेस तो ठीक है,
चल रहे हैं, वेंचर चल रहे हैं, बट इफ इफ वी आर इफ द एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर. सो बॉटम लाइन इज वी शुड अटेम्प्ट दैट ईच एंड एवरीबडी जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्रुप में, दे शुड बी अल्टीमेटली वेरी हैप्पी एंड आई ओनली विश दैट दे रिटायर फ्रॉम आवर ग्रुप. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो किसान हो या फिर और भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोग हो, हर जगह हमने कोशिश की है कि आगे का एक मार्गदर्शन दिया जा सके. और उसी के साथ साथ एजुकेशन पर भी काफ़ी फोकस रहा है. हम दूसरे इनिशिएटिव्स लाइक डिजाइन फॉर चेंज में बच्चों को भी आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं. सो आई थिंक समवेयर वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर द नेशन. और इतनी बातें जो अभी हम आपके साथ कर रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आई एम श्योर आज का ये इंटरव्यू हमारे ग्रुप को और बाहर भी सभी लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करेगा हमारी वैल्यूज का चलने. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सुरुचि एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर यू नो ब्रिंगिंग मी इन दिस इंटरव्यू. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर इंटरव्यू एंड आई विश द ग्रुप the very best. Thank you, sir. Thank you so much.